हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछूंगी, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो भी उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। साइंस, जीके और करंट अफेयर की प्लेलिस्ट बनी हुई, तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। मैथ्स और रीजनिंग की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं मुख्यतः अमोनिया यानी कि NH3 तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जिसका प्रयोग पीतल के बर्तनों की कलई करते समय सफाई के प्रयोग में किया जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन खून के जमने यानी कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड क्लॉटिंग में आवश्यकता होती है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, विटामिन ए, सी, ई और के। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा विटामिन के। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल। ठीक है, और विटामिन सी का है एस्कॉर्बिक एसिड। अगला प्रश्न है आपके सामने, अल्कोहलिक खमीरन यानी कि फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद क्या है, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहलिक खमीरन यानी किवड़ या फर्मेंटेशन का अंतिम उत्पाद इथाइल अल्कोहल या एथिल अल्कोहल यानी कि C2H5OH, इसका फॉर्मूला होता है। इसे साधारण रूप में सिरका कहा जाता है और इसका स्वाद एवं गंध तीक्ष्ण होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। देखिए वीडियो को आप लोग लाइक और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल, फेसबुक, व्हाट्सएप पे शेयर ज़रूर करिएगा। और वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि लास्ट में आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। क्वेश्चन है, एल्कोहलिक खमीरन, अभी ये हमने शायद डिस्कस किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है, तो इसमें हार्मोन है इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन एक हार्मोन होता है। ठीक है, जो अग्नाशय की लैंगरहांस द्वीप की बीटा कोशिकाओं यानी कि बीटा सेल्स द्वारा स्रावित होता है। इसके अल्पस्रावण से मधुमेह रोग होता है, जबकि अधिस्राव से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कांच की बोतल में नहीं रखा जा सकता है क्योंकि यह कांच के साथ अभिक्रिया करके सिलिकॉन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, जिससे कांच का पात्र टूट सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग का बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, तो धातु है तांबा, चांदी, निकेल या जस्ता। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा। ठीक है, ए इज आवर करेक्ट आंसर। प्रश्न है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है, अमोनिया, एसिटिलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड या एथिलीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एथिलीन। ठीक है, एथिलीन का प्रयोग कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने एवं उनके संरक्षण में किया जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ इसका प्रयोग रबड़ एवं पॉलीथीन बनाने में, समान निश्चेतक के रूप में तथा मस्टर्ड गैस बनाने में भी किया जाता है। तो इतना आप लोग याद कर लेगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक, तो ये होता है एक एस्टर। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, और इसका प्रयोग डायनामाइट नामक विस्फोटक के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, और एक रंगहीन तलीय द्रव है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, विकास का कारण है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर।
अगला प्रश्न है आपके सामने, जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, जस्ते का फॉर्मूला होता है Zn, याद कर लीजिएगा। जस्ते के बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में बर्तन को ऋणात्मक ध्रुव और जस्ते को यानी कि Zn को धनात्मक ध्रुव बनाया जाता है। क्वेश्चन है, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? नहीं होती, ये पूछा गया। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ, हीलियम, नियॉन, रेडॉन और आर्गन। तो नोबल गैस जो वायु में नहीं होती है वो होगी कौन सी? ये होगी रेडॉन। ठीक है, देखिए आदर्श या नोबल गैस में आर्गन यानी कि AR, ठीक है, नियॉन यानी कि NE और ज़ेनॉन यानी कि XE, क्रिप्टॉन यानी कि KR और हीलियम यानी कि HE तथा रेडॉन RN सम्मिलित है। रेडॉन एक रेडियो सक्रिय गैस है जो कि वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। ठीक है, फिर से सुनिएगा जो मैं कह रही हूँ, आदर्श या नोबल गैस में आर्गन है, नियॉन है, ज़ेनॉन है, क्रिप्टॉन है, हीलियम है, रेडॉन सम्मिलित नहीं है क्योंकि रेडियो सक्रिय गैस है जो कि वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मैग्नीशियम। ठीक है, क्लोरोफिल पौधों की हरी पत्तियों में एवं उनके पौधों के हरे भागों में पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम यानी कि Mg+ धातु का आयन पाया जाता है धनात्मक, जो प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्लोरोफिल में कौन सी, ये हमने डिस्कस किया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सामने वाले चपटे दांत। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, अवशेषी अंग वे होते हैं जिनकी उपयोगिता किसी जीव के लिए समाप्त हो चुकी होती है परंतु वे शरीर में पाए जाते हैं, जैसे आँख का जो पर्दा होता है, कौन सा? निक्टिटेटिंग पर्दा। ठीक है, और कर्णपाली की कर्णाव मांसपेशियाँ। ठीक है, जबकि मानव के सामने वाले चपटे दांत अवशेषी अंग नहीं है। ठीक है, नहीं है ये मैंने कहा है तो ये नहीं होंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। बाकी ये सभी क्या है? अवशेषी अंग हैं। क्या होते हैं अवशेषी अंग? अवशेषी अंग वे होते हैं जिनकी उपयोगिता किसी जीव के लिए समाप्त हो चुकी है। क्वेश्चन हमेशा से मैं इसको डिस्कस करती हूँ। क्वेश्चन है आपके सामने, शुष्क बर्फ क्या है? क्योंकि मैंने क्वेश्चन आपके साथ कई बार डिस्कस किया है तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चार ऑप्शन आपके यहाँ पे सामने दिया हुआ है। शुष्क बर्फ, ठोस बर्फ है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस सल्फर डाइऑक्साइड या ठोस अमोनिया। तो उस क्वेश्चन को ज़रूर अटैम्प्ट कीजिए क्योंकि मैंने इसको 10 से 15 बार आपसे डिस्कस किया है। अगला क्वेश्चन है, शक्करों में सबसे मीठी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा है जो शहद तथा मीठे फलों में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके सामने, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल क्या होगा? तो ये होगा लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड के त्वरण के नीचे आते समय शून्य होगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखिए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय लिफ्ट के फर्श पर खड़े व्यक्ति के भार द्वारा फर्श पर लग रहा भार या फर्श पर लग रहा बल शून्य होता है क्योंकि इस अवस्था में व्यक्ति के भार का दबाव लिफ्ट के फर्श पर नहीं पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग में लाने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, टिन, शीशा, निकेल या टिन और शीशे का एक मिश्र धातु। तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा टिन और शीशे का एक मिश्र धातु। ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। देखिए फ्यूज़ का तार निम्न गलनांक व निम्न प्रतिरोधकता के मिश्र धातुओं, ठीक है, से बना होता है जो वोल्टता आदि में वृद्धि के कारण टूटकर विद्युत उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो
क्या हो जाएगा? चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं, भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, ना द्रव्यमान और ना ही भार। तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्यों? देखिए, किसी पत्थर या किसी पत्थर आदि वस्तु को चांद पर ले जाने पर भार बदल जाता है, किंतु उसका द्रव्यमान स्थिर रहता है। चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 1/6 गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तु का भार भी पृथ्वी की भार की अपेक्षा 1/6 हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा उसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।